हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा ऐप के बारे में। वैसे इस तरह की वीडियो जो है वो मैं पहले भी बना चुका हूं, बट फिर भी मुझसे पूछा जाता है कि पटवारी के लिए कोई मॉक टेस्ट बता दीजिए, या फिर जो मॉक टेस्ट आपने बताए हैं ठीक है उनको किस तरह से बाय करना है, या फिर वो किस तरह के जो है उसमें मॉक टेस्ट हैं। तो बहुत से क्वेश्चन बार बार जो है इस पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको पूरा ही बता देता हूं अच्छे से। एक मॉक टेस्ट जो आपका परचेज्ड होता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि पूरा जो है वो किस तरह का होता है पूरा, ताकि अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो थोड़ा सा टाइम बचा है। अगर आप फिर भी मॉक टेस्ट देना चाहते हो, कोई भी फोर्स नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप देना चाहते हो तो आप उसको जो है बाय कर सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आप पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आप बाय करना चाहते हो तो आप वहां से जाकर जो है बाय कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से स्टेप सुनिएगा कि आपको सिंपल सी परीक्षा ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एचपी स्टेट सेलेक्ट करनी है और आपके पास इस तरह का इंटरफेस जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। अब इस तरह का जब इंटरफेस आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पर एक नीचे की तरफ टेस्ट है, वो है आपका हिमाचल पटवारी का। उससे बाद है आपके पास करंट अफेयर पावर पैक। करंट अफेयर जो पावर पैक है वो आपके एलाइड के लिए हो गए, आपके एचएस के लिए हो गए, सभी के लिए हैं, ठीक है। इसमें 72 टेस्ट हैं और इसमें जो है आपके पटवारी वाले में 10 टेस्ट हैं, ठीक है। तो हिमाचल पटवारी वाला मैंने बाय ऑलरेडी किया है, तो करंट अफेयर पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको बाय करना है। तो करंट अफेयर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो अनलॉक सीरीज़ यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ही आप अनलॉक पे क्लिक करोगे, फिर आपको दूसरे स्टेप पर जो है क्लिक करना है, पे ऑनलाइन टू अनलॉक। इस पर करोगे, यहाँ पर कूपन, एक कूपन कोड और रेफरल कोड लिख कर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा टाइप करना है जीके स्टडी 40। तो जैसे ही आप जीके स्टडी यहाँ पर 40 अप्लाई करोगे तो 250 रुपये का टेस्ट जो है वो आपको 150 रुपये में मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आपका करंट अफेयर पावर पैक के ऊपर था। सेम जो चीज़ है वो आप अप्लाई कर सकते हो आपकी हिमाचल पटवारी के ऊपर। ये तो था आपको किस तरह से बाय करना है, ठीक है। अब जब आप बाय कर लोगे, आपकी कन्फर्मेशन हो जाएगी, आपके पास इस तरह से जो है वो लॉक का निशान आ जाएगा ग्रीन कलर का। तो उसके बाद क्या है, आपको सिंपल सा पटवारी टेस्ट को ओपन कर लेना है। तो इस तरह के टेस्ट जो है आपके पास आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है आप 13 नवंबर का, 14, 15 और 16 नवंबर के 4 टेस्ट रिमेनिंग बचे हैं। अगर आप आज इसको बाय करते हो, बाकी पहले के सारे टेस्ट जो हैं आपको ओपन मिलेंगे, ठीक है। उनके आगे इस तरह से आपको स्टार्ट नाउ दिखेगा और एक लाइव टेस्ट भी जो है इनका अभी चल रहा है। तो इस तरह से आपको सारे टेस्ट मिलेंगे। अब मान लीजिए एक टेस्ट है आपका 8th, मान लेता हूं मैं। इसको जैसे ही आप स्टार्ट नाउ करोगे तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है। यहां पर इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद आपको हिंदी के 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन दिए गए हैं और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। 100 आपके क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स हैं और 90 मिनट का जो है आपके पास यहाँ पर टाइम दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर और भी नीचे की तरफ जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और अपनी रिपोर्ट यहाँ पर ये लिखा गया है कि आप अपने रैंक को एनालाइज करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने टेस्ट को जो देखने के लिए जो है आप अपनी ये टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। बोथ लैंग्वेजेस में ये टेस्ट होगा, आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। हर सेक्शन को जो है इसमें कवर किया जाएगा। कुछ पहले ये बच्चे बोल रहे थे कि इसमें जो है वो क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से आपको करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर वगैरह इसमें नहीं पूछे गए थे, ठीक है। तो वो भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं, करंट अफेयर सभी कुछ। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता लगेगा कि सभी कुछ इसमें पूछा गया है और आपकी तैयारी जो है वो उसी हिसाब से हो रही है। तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट टेस्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में से आपको जो है कोई भी आंसर जो भी आपको सही लगे वो आपको चूज़ करना है, उसके बाद आपको आगे की तरफ जो है वो बढ़ जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए आप, ये इंग्लिश का पहला सेक्शन है और आप इंग्लिश का नहीं देना चाहते हो, पहले आप हिंदी की प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर आप जी के पहले देना चाहते हो, तो यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो बीच में आपका सेक्शन दिया गया है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आपके पास इंग्लिश वाला सेक्शन आ गया, हिंदी आ गया, मैथ्स आ गया और उसके बाद आ गया आपका बस जनरल नॉलेज। अब फॉर एग्जांपल मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ तो हिंदी के आपके यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपके पास हिंदी सेक्शन पूरा आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग्रह का विलोम शब्द है, तो आपको वो चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ गद्यांश दिया गया है और पूरा कि इसमें से गद्यांश में से आप क्वेश्चन छांट कर जो है, उसके बाद यहाँ पर आपको समास का क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद आपको समास पूछा गया है। यहाँ पर आपके पास लोकोक्तियाँ दी गई है, ठीक है, दोबारा से लोकोक्ति दी गई है। फिर आपके पास ये इस तरह के जो रस छंद से क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास पूछे गए हैं, ठीक है। अलंकार आपके पास पूछे गए हैं, तो इस तरह से तत्सम पूछे गए हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तद्भव शब्द पूछे गए हैं, आपके पास संधि विच्छेद पूछा गया है, यानी कि आपके पास पूरे सेक्शन जो है वो यहाँ पर पूछेंगे। उसके अलावा अगर आप जनरल सेक्शन में जाते हैं, जनरल उसमें जो आपकी
जीके है। तो ये देख लिए, यहाँ पर आपके पास भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन अगला आपके पास हो गया, ठीक है, रासायनिक यौगिक कौन सा है, इसमें यह पूछा गया है, ठीक है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। उसके बाद माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको सभी कुछ जो है वो टिक करके आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। मेरु रज्जु भाग है कहाँ का भाग होता है आपका, साइंस के भी क्वेश्चन बीच में मीडियम डाले गए हैं, ठीक है। सिंधु घाटी से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब सभी जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ हिमाचल, शुष्क बर्फ कौन सी होती है, ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा साइंस से रिलेटेड। इजी से लेकर मॉडरेट प्लस टफ क्वेश्चन आपको सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। हवा महल का आगरा शहर का संस्थापक कौन था, हिमाचल जी के, देख लीजिए, 1967 से 1971 के बीच हिमाचल प्रदेश के किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ था, ठीक है, यानी कि पंजाब के था। तो वो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और सर्वप्रथम चुनाव कब हुए थे, ठीक है, गजनबी ने महमूद के कांगड़ा, मतलब गजनबी ने कांगड़ा शहर को कब लुटा, किस दिन हिमाचल प्रदेश के राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिमाचल का लिंग अनुपात कितना है, 972 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। मैथ की अगर बात करें, मैथ्स के सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन मिल जाता है, चाहे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, रेशियो से हो, एवरेज से हो, टाइम एंड वर्क से हो, सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो है वो इंग्लिश है, इसी तरह से करनी है आपको, सभी कुछ इंग्लिश में भी आपको पूरा दिया गया है। सिनोनिम एंटोनियम्स, आपकी जो प्रेपोजिशंस वगैरह होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं आपके, ये पैराग्राफ टाइप के हो गए या आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो गए, सभी क्वेश्चन जो है इसमें आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद जब आप पूरे क्वेश्चन कर दोगे, तो जनरल जब आप लास्ट में कर दोगे, तो यहाँ पर सबमिट पर आपको टिक करना है, तो यहाँ पर पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन के आपने आंसर देंगे। टाइमिंग आपकी साथ साथ चलती रहेगी, आपने मार्क जो रिव्यू के लिए है वो कितने मार्क किए हैं और कौन से क्वेश्चन। अब जैसे मैंने कोई 34 क्वेश्चन को जो है वो नहीं दिखाया, आपके सामने नहीं दिखाया, तो यहां पर नॉट विजिटेड जो है वो 34 आ गया। तो इस तरह से जो है आप जैसे ही सबमिट टेस्ट पर क्लिक करोगे, तो आपको उसकी रिपोर्ट दिख जाएगी पूरी कि किस तरह से आपने टेस्ट दिया है, कितना आपका परफॉर्मेंस रहा है, जो टॉपर था बच्चा उसके कितने नंबर आए हैं, आपकी कहां कहां पर गलतियां हुई, आपके पर्टिकुलर ईच सेक्शन में जो है आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करोगे, तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आप मॉक टेस्ट अभी तक आपने नहीं दिया है, अपने खुद को एनालाइज नहीं किया है और आप करना चाहते हो, ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको करना ही करना है, बट अगर आप करना चाहते हो तो आप ज़रूर इसको बाय कर सकते हो। ये मैंने आपको पूरी कन्फर्म कर दी है, क्योंकि बहुत से पूछ रहे थे कि जो आपका बाय टेस्ट होता है उसमें क्या क्या दिया जाता है, जैसे हम बाय करेंगे तो टेस्ट में हमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है, एक बार अगर आप दिखा दें, तो मैंने आपको वो दिखा दिया है। और आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं रहेगा। वैसे दिन बहुत ज़्यादा कम है, आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।